चौधरी साहब की गर्लफ्रेंड भाग गई भाई, कुछ देख के समझ में आ रहा हो तो मुझे बताना इसे है क्या ये। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी के मिक्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। भाई दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, पता है, शेविंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है। आज मैं जा रहा हूँ मेरठ अपने कॉलेज में, आपको विजिट कराऊंगा, जितना विजिट हो सकता है उतना कराऊंगा। आज मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज सुभारती यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरनगर से मेरठ अपनी गाड़ी से ही जा रहा हूँ, I-10 गाड़ी है। और मेरे साथ जा रहे हैं शुभम चौधरी जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं ये शुभम चौधरी जी। तो आज हम जा रहे हैं मेरठ, तो मैं आपको सारी डिटेल, मतलब डिटेल कुछ नहीं दूंगा, बस थोड़ी सी ऐसी व्लॉगिंग है मौज मस्ती के लिए। तो आज हम मस्ती करने जा रहे हैं पूरी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। तुझे जीना है मेरे बिना। चौधरी साहब की गर्लफ्रेंड भाग गई, परेशान है चौधरी साहब, साले गाली देगा। तो चौधरी साहब कोई नई ताजी कहानी बताओ, कुछ नई बात बताओ, तुम्हारे पास तो बहुत सारी होती है। भाई हमारे पास कुछ नहीं है फिलहाल, देखो सही बताओ। नहीं, ऐसी क्या बात होगी, क्यों नहीं है तुम्हारे पास? जो तुम्हारी जो लुगाई भागी तो कहाँ से आ जाएगी बातें? भाई भाई की लुगाई भागी, भाई का कहना है भाई की लुगाई भागी, और मेरा ये कहना है जब एक लुगाई भागी तो दूसरी लुगाई पटा लो ना, दूसरी लुगाई बना लो। लड़का कहना है मैं उससे सच्चा प्यार करता था और फिर भी इसके लात मार के भाग गई हो क्या? भाई अगर कोई डंकी लुगाई हो ना इस भाई के लिए, देख लो इसकी शक्ल, देख लो ढंग से। भाई चाटनी चाह, भाई क्या भाई यूं कह रहा है, भाई को चाहिए चाटनी। तो जो भी ढंग की लुगाई हो इसके लिए, चाटनी हो या कोई भी हो, तो भाई इस भाई से संपर्क कर लेना, मैं इसका नंबर डाल दूंगा नीचे, मुजफ्फरनगर में लड़का रहता है, पूरा एड्रेस मिल जाएगा आपको इसका, कमेंट करके जिसको चाहिए इसका एड्रेस बता देना। बेटा आंटी को उड़ा सकते तुम अभी? आंटी भी कहती मेरा बालक मार दिया। ओ भाई हवा भाई होके निकल रहा था। Looking for the one, what bitch you looking at the one? I'm the best, yeah, my best is yet to come. चौधरी साहब के सारे दर्द दर्द गम सब दर्द में मिली ना हमारा लड़का आज। क्यों भाई चौधरी साहब, कह सकते हैं सही भाई, गल गई तुम्हारी गर्लफ्रेंड लुगाई छोड़ के परसों? वो 30 तारीख 30 फरवरी को। 30 फरवरी को? हाँ। नाम तो बता दो ताकि वो भी देख ले, उसे थोड़ा दर्द आ जाए। तुम चम्मच छल लो, वो तो गाना आया था एक उसका करीना कपूर का, तो उसके नाम पे तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रख दिया था। आजकल तो करीना कपूर ने नया वो नया काम किया है, करीना कपूर का बच्चे पैदा करना, सैफ अली खान तो रेल बना रखी है भैया। चलो ज्यादा कुछ हम इस पे बोलेंगे नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे, तो मजे लो भाई, वीडियो देखो मजे लो। भाई लोगों टोल आ गया है, हम टोल देंगे नहीं, हम टोल से बचेंगे। बचेंगे कैसे? लेफ्ट साइड से एक रास्ता जा रहा है, वहां से निकल के हम जाएंगे। फालतू का टोल क्यों देना, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है? तो टोल से बचने के लिए, टोल से पहले ही मेरठ जाते हुए, मुजफ्फरनगर मेरठ जाते हुए टोल से पहले लेफ्ट साइड से एक रास्ता जाता है, मैं दिखाता हूँ अभी। उस रास्ते से आपको टर्न लेना है लेफ्ट साइड में, तो देखिए आप, ये यहाँ से आपको लेफ्ट साइड से मुड़ना है, ये आप देख रहे हैं सामने टोल है, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको इधर से लेफ्ट टर्न ले लेना है। ये लिखा हुआ है दुल्हेड़ा चौहान, तो आपको यहाँ से सीधा सीधा निकलना है, और कुछ किलोमीटर के बाद चलने के बाद
मतलब कुछ किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर होगा, ज्यादा अप्रोक्सीमेटली आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर होगा। दो रास्ते आते हैं, एक तो राइट साइड से रास्ता जाता है सबसे पहला, या तो आप उससे जा सकते हो, या फिर एक दूसरा रास्ता आता है लेफ्ट साइड से। तो या तो आप लेफ्ट साइड वाला मतलब सॉरी, या सबसे पहले राइट साइड से रास्ता जाता है थोड़ा टूटा हुआ है, आप या तो वहाँ से चले जाएँ। एक दूसरा रास्ता जाता है उसी से आगे जाने के बाद राइट साइड से, वो गांव के अंदर से निकलता है, तो वो वाला रास्ता मेरठ के बिल्कुल पास निकलता है। ये निकलता है बिल्कुल टोल से बिल्कुल जस्ट आगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कौन सा रोड आएगा, कौन सा क्या आएगा, कहाँ पे आपको टर्न करना है। मैं देखता हूँ अगर पहले वाले रूट से जा सके तो पहले वाले जाऊँगा, नहीं तो दूसरे वाले से आपको जाके जाऊँगा। तो रास्ता तो एक ये है, तो अभी देखते हैं यहाँ से गाड़ी निकलती है। रास्ता थोड़ा खराब है, कोशिश करते हैं निकालने की। निकल गई गाड़ी, तो ये वाला रास्ता था, ये रास्ते से आप बचा सकते हो अपना टोल, ठीक है। तो दिल्ली मतलब हरिद्वार, देहरादून या जो भी लोग जहाँ से भी आ रहे हैं मेरठ से, अपना टोल बचाने के लिए, मेरठ का टोल बचाने के लिए आप इस रास्ते का सहारा ले सकते हो। तो आप यहाँ से मुड़ने के बाद अब मैं दिखाऊंगा आपको रास्ता कहाँ निकलता है, ठीक है। तो शुभम भाई थोड़ा कैमरा रोटेट कर दो, लोगों को पता चल जाए। लेकिन यहाँ से हैवी व्हीकल वाले ध्यान रखें, हैवी व्हीकल जो बड़ा व्हीकल होता है जैसे ट्रक हो गया या कोई बड़ी गाड़ी हो गई, वो गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती है, तो वो सीधा टोल से ही जाए अपना, वो यहाँ से ना जाए। तो देखो भाई ये रास्ता यहाँ से निकलता है, लेफ्ट साइड मेरठ जा रहा है, और मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा राइट साइड में आपको दिखाने का। जो टोल है वो पीछे हमारे टोल रह गए, यहाँ से टोल दिखता है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ टोल का, थोड़ा सा व्यू में दिखा देता हूँ, मैं बाहर से दिखाऊँगा आपको। तो देखिए हमारे बैक साइड में जो आपको दिख रहा है वो टोल है। जो बैक साइड में जो है वो टोल है, वो टोल निकल चुका है। अब ये रास्ता जो सीधा जा रहा है, और ये सीधा रास्ता जो जा रहा है मेरठ के लिए जा रहा है अभी यहाँ से, तो ये बिल्कुल सीधा रास्ता मेरठ और दिल्ली जाएगा। तो इस रास्ते से आप जाएँ, और अगर किसी का फास्टैग का कार्ड बनाया तो वहाँ से जा सकता है, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता है थोड़ा। भाई सुभाषदी यूनिवर्सिटी हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी कॉलेज जा रहा हूं मैं। तो गाड़ी में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, गाड़ी हमने पीछे खड़ी कर दी पार्किंग में, और अभी हम जा रहे हैं कॉलेज के अंदर। चौधरी साहब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इनका स्टाइल देखो तुम ज़रा, मज़ा आ जाएगा देख के। जट्टों का तो यही स्टाइल हो भाई, जट्टों का स्टाइल हो। हाँ जा चौधरी साहब करती है भाई, प्रॉब्लम हो रही मुझे देसी बंदे भाई साहब, भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कॉलेज का थोड़ा सा व्यू,
पार्किंग कैसे आना कैसे? ये हमारी बिल्डिंग बीटेक की। यहाँ पे हम मौज मस्ती किया करते थे भाई बहुत ज़्यादा। ये सामने हमारी बिल्डिंग जहाँ पे हम पढ़ते थे। इस जगह हम लोगों ने बहुत मौज मस्ती करी है और आज मैं अपनी मार्कशीट लेने के लिए यहाँ पे। लहबाजी यहाँ कम नहीं होती, बहुत लहबाजी होती है।